हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी एक तरीके की प्रैक्टिस है जिसमें लोअर कास्ट के लोगों को सोसाइटी से दूर रखा जाता था, कह लीजिए आउटकास्ट उनको कर दिया जाता था और उनको सोशल इक्वालिटी नहीं मिलती थी, उनको इनह्यूमनली ट्रीट किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, बोला जाता था कि छोटी जाति का इंसान है, तो उनको इनह्यूमनली ट्रीट किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो हायर कास्ट के लोग हैं वो ये मानते थे कि अगर अनटचेबल पर्सन जो कि लोअर कास्ट का एक इंसान है उसकी अगर शेडो भी उनको छू ले तो वो इम्प्योर हो जाएंगे और उनको वापस प्योरिटी पाने के लिए होली वाटर ऑफ गंगा के होली वाटर में जाके नहाना पड़ेगा। तो बहुत ही सोशल ईविल था ये अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी का। ये मानते थे लोग कि जो लोग ऐसे मेनियल जॉब्स करते हैं, मेनियल जॉब्स मतलब जो जिनमें ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए होती हैं या जो क्रिमिनल वाले काम करते हैं वो अनटचेबल लोग हैं। तो ये पहले के टाइम पे माना जाता था, अनटचेबल्स बोलते थे पहले। फिर उनको हरिजन्स नाम दिया गया, हरिजन्स महात्मा गांधी ने उनका नाम दिया था। हरिजन्स बोलते हैं चिल्ड्रन ऑफ गॉड। देन उसके बाद उनको दलित बुलाते हैं, दलित का नाम दिया गया। दिस इज़ वॉट अनटचेबिलिटी इज़। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे आर्टिकल 17 विच इज़ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन्स हैं अनटचेबिलिटी को लेके। Now, in the words of renowned constitutional expert H.M. Sirvai, he said, "Our founding fathers not only put liberty and equality in the preamble to our constitution, but gave them practical effect in Article 17, which abolished untouchability, and in Article 14, which provides equality before the law and equal protection of laws." उन्होंने बोला कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने सिर्फ प्रीएम्बल में ही नहीं लिखा है, उन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट दिया है आर्टिकल 17 में, जिसने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया और इक्वालिटी प्रोवाइड की आर्टिकल 14 में। नाउ आर्टिकल 17 सेज दैट अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। तो आर्टिकल 17 दो चीज़ें डिक्लेयर करता है। पहला, इट सेज दैट अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी को एंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। और अगर आप उसको किसी भी तरीके से आप उसकी प्रैक्टिस करो, कोई भी फॉर्म यूज़ कर लो, वो फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब बैंड है, ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सेकेंडली, इट डिक्लेयर्स दैट द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। आप जो भी अनटचेबिलिटी के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो या कुछ भी आप लोगों के साथ कर रहे हो, तो वो ऑफेंस होगा जिसको पनिश किया जाएगा इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। जो भी लॉज बने हैं उनके अकॉर्डिंगली उसको पनिश किया जाएगा, वो एक ऑफेंस होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आर्टिकल 17 बताता है। अगर आप आर्टिकल 17 में देखें तो अनटचेबिलिटी को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसका मतलब उसका एक लिटरल सेंस नहीं है। इसका मतलब है कि जो प्रैक्टिस है जो कि सालों से हमारी कंट्री में चली आ रही है, प्रथा जो एक चली आ रही है अनटचेबिलिटी को, उसको अबॉलिश करना, उसको एंड करना, राइट। अब जो भी आर्टिकल 17 के अंदर आएगा वो ऑलरेडी कवर्ड है आर्टिकल 15 के थ्रू, जैसे कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी किसी भी इंसान को आप डिनाई नहीं कर सकते एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, या कोई भी यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसॉर्ट्स, या कुछ भी जो भी स्टेट फंड का है जनरल पब्लिक के लिए, आप उसको मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये तो मेजर इंस्टेंसेज हैं इस फॉर्म के, बट और भी फॉर्म हैं अनटचेबिलिटी जिस और फॉर्म में भी प्रैक्टिस होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी लोगों को आप पब्लिक प्लेस में, होटल्स में कुछ यूटेंसिल्स हैं उनको यूज़ नहीं किया करने दिया जाता, ठीक है। उनको कोई जगह है वर्शिप की, टेंपल है, टेंपल में नहीं जाने दिया जाता लोगों को। तो ये बहुत सारी चीज़ों में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है। तो यहाँ पे आर्टिकल 17 को हम आर्टिकल 15 के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 15 में ऑलरेडी ये सब चीज़ें बैन है कि आप उनको डिनाई नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। अब आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस आर्टिकल में पार्लियामेंट को पार दी गई है कि वो ऐसे एक्ट्स के लिए पनिशमेंट्स बना सकता है। तो 1955 में पार्लियामेंट ने अपनी इस पावर को एक्साइज करते हुए द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 बनाया। दिस एक्ट प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग देयर फ्रॉम। इस एक्ट ने पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करी और भी जो भी एनफोर्समेंट की जरूरत थी वो सब प्रिस्क्राइब किया। बट इट वॉज फाउंड दैट द पनिशमेंट्स अवॉर्डेड वर फ्यू एंड इनएडिक्वेट।
तो फिर 1965 में एक कमेटी बिठाई गई ऑन अनटचेबिलिटी इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट. इस पर एक कमेटी बिठाई गई जिसको टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द एक्ट एंड टू मेक सूटेबल रिकमेंडेशंस फॉर इट्स अमेंडमेंट. तो जो एक्ट बना था अनटचेबल ऑफेंसेस एक्ट, जब ये देखा गया कि इसके जो प्रोविजंस हैं वो इनएडिक्वेट हैं, तो 1965 में एक कमेटी बिठाई गई जो ये एग्जामिन करेगा इस एक्ट के काम को और सूटेबल रिकमेंडेशन देगा अमेंडमेंट्स को लेकर. फिर 1976 में इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे एक बिल पास किया गया विद द अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट्स कमेटी ने बताए, और जो ये एक्ट था हमारा अनटचेबल ऑफेंस एक्ट, इसका नाम चेंज कर दिया गया और रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. इसको चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 इसका नाम रखा गया. अब दिस एक्ट मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग लॉ. इस एक्ट के थ्रू बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि पहला एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट. जो भी पनिशमेंट थी उन सबको, जितनी भी पनिशमेंट थी उन सबको एनहेंस कर दिया गया, ठीक, और सारे ऑफेंसेस को नॉन कंपाउंडेबल बना दिया गया. जो भी ऑफेंसेस थे रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी उन सबको नॉन कंपाउंडेबल बना दिया गया. थर्ड, ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट टू इन्वेस्टिगेट. ये एक्ट कहता है कि ये ड्यूटी है पब्लिक सर्वेंट की टू इन्वेस्टिगेट एवरी ऑफेंस, एंड इफ़ ही इज़ शोइंग नेग्लिजेंस इन द इन्वेस्टिगेशन, अगर वो मना कर रहा है करने के लिए, नेग्लिजेंट हो रहा है, तो ही विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस एंड बी पनिश्ड एज एन अबेटर. तो वो भी लाइबल होगा, वो सिविल सर्वेंट भी लाइबल होगा उस ऑफेंस के लिए. देन नेक्स्ट कहता है प्राइवेटली ओन प्लेस ऑफ वर्शिप ब्रॉट विद इन इट्स परव्यू. कहते हैं कि अगर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप जस्टिफाई कर रही है अनटचेबिलिटी को, वो अगर ये प्रथा फॉलो कर रही है, रोक नहीं रही है, तो वो भी ऑफेंस होगा, वो इस एक्ट के अंदर में आएगा. देन स्टेट गवर्नमेंट्स एम्पावर टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन्स. स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दी गई है कि अगर आप देख रहे हो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल प्रैक्टिस कर रहा है अनटचेबिलिटी, या कोई भी कम्युनिटी या सोसाइटी प्रैक्टिस कर रही है, तो आप उन पर फाइन्स इम्पोज करोगे. तो ये सब चेंजेस बनाए गए इस एक्ट में फॉर अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए. स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज अप्पा बालू इंगले AR 1993. ये फर्स्ट केस था इस एक्ट में, जो नया एक्ट बना प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, इसके अंडर में पहला केस आया. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि जो आर्टिकल 17 है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव ऑल द डिसेबिलिटीज रिस्ट्रिक्शंस प्रोहिबिशंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, या डिसेबिलिटीज करी जा रही है लोगों के साथ, प्रोहिबिट किया जा रहा है उनको, वो सब रिमूव करना आर्टिकल 17 का ऑब्जेक्टिव है. अब जो नॉर्मल प्रोविजंस जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट था या इंडियन पिनल कोड था, ये सब देखा गया कि इन सब के प्रोविजंस भी इनएडिक्वेट फाउंड किए गए टू चेक द एट्रोसिटीज एंड ऑफेंसेस. तो उसके बाद एक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 आया, जिसके प्रोविजंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे और काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए इसमें इन ऑफेंसेस को चेक करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 17 अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा. दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, राइट. अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के नीचे पूछ सकते हैं. एंड फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग. टेक केयर. थैंक यू एवरीवन.